हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी को खेल तंत्र के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फुटबॉल दुनिया के बहुत सारे खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेशल फुटबॉल न्यूज। जस्ट व्हेन यू थॉट नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी ने एटीके मोहन बगान के खिलाफ मौजूदा सीजन का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है, सुभाषिस बोस ने हैदर दाल के नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी के इस सपने को चकनाचूर कर दिया। जी हां, हीरो इंडियन सुपर लीग में कल एटीके मोहन बगान के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी को चौथा लगातार हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। एटीके मोहन बगान की तरफ से लिस्टन कोलासो और सुभाषिस बोस ने गोल डाले, वही ऑस्ट्रेलियाई मूल के डिफेंडर एरन इवेंस ने हाईलैंडर्स की तरफ से गोल डाले थे। याद रखिएगा, इस सीजन 6 मैचों में हाईलैंडर्स ने सिर्फ 2 ही गोल डाले है। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, और गाइस यहाँ पे जो खबर आ रहा है वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में कोलंबियन सिंगर शकीरा, अमेरिकन म्यूजिकल ग्रुप ब्लैक आइड पीस और गाइस साउथ कोरियन बॉय बैंड बीटीएस परफॉर्म करने वाले हैं। तो गाइस इज गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल ओपनिंग सेरेमनी। दोस्तों, मुंबई सिटी एफसी ने यहाँ पे भारतीय अंडर 20 टीम के कप्तान और युवा डिफेंडर हालेन नोंगटू को एक 3-ईयर डील में साइन कर लिया है। जी हां गाइस, हालेन नोंगटू ने पिछले साफ चैंपियनशिप में बढ़िया परफॉर्मेंस पेश किया था। एक युवा टैलेंट है जिसे आप वन फॉर द फ्यूचर कह सकते हैं, और गाइस मुंबई सिटी एफसी के साथ साइन करके आई थिंक ही हैज टेकन अ पॉजिटिव स्टेप इन हिज करियर। दोस्तों, ईरानियन फुटबॉलर ओमिर सिंह एक बार फिर से लाइमलाइट में आए हैं। जी हाँ, ओमिर सिंह ने यहाँ पे कहा है कि ही इज इंटरेस्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन इंटरनेशनल फुटबॉल, और इसके लिए दोस्तों वो ईरानियन सिटीजनशिप छोड़ने को भी तैयार है। दोस्तों, ओमिर सिंह ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से रिक्वेस्ट किया है कि उनको फुटबॉल खेलने में फेडरेशन मदद करे। याद रखिएगा, ओमिर सिंह एक प्लेयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और उनको गाइस इंडियन पासपोर्ट हासिल करने के लिए भारत में रह के फुटबॉल खेलना होगा। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एफसी के हेड कोच मार्को बलबुल ने यहाँ पे कहा है कि गाइस द क्लब इज मेकिंग ऑल द एफर्ट टू साइन न्यू प्लेयर। जी हां गाइस, पिछले मैच में एटीके मोहन बगान के खिलाफ द टीम शोड ग्लिम्सेस ऑफ इंप्रूवमेंट, और गाइस यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबियन स्ट्राइकर विल्मार जॉर्डन गिल हाइलैंडर्स के साथ साइन करने की करीब है। तो गाइस हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द टीम अपने विनिंग ट्रैक पे लौट आए।